इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्राइस के बारे में समझ लिया था कि किस तरीके से प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं किसी एक कमोडिटी का या किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड एलिमेंट की तरफ पहुंचते हैं जो कि है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने देख लिया था पैकेजिंग का। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट हमारा था प्रोडक्ट, सेकेंड एलिमेंट हमारा था प्राइस, और थर्ड एलिमेंट है हमारा प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, आप इसको समझते हैं। प्लेस रिफर टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। ठीक है, प्लेस क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ डिसीजन होता है जहां पर क्या होता है कि हमें वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट आर नॉट मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम देन कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू बाय देम। अगर प्रोडक्ट को हम सही जगह पे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे या सही टाइम पे अवेलेबल नहीं कराएंगे तो कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा। प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। प्लेस एलिमेंट में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फिनिश गुड्स या सर्विसेज हैं उसको प्रोडक्शन हाउस से कंजम्पशन प्लेस तक, सॉरी, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक भेजने का ही बोला जाता है। ठीक है, अब प्लेस मिक्स क्या होता है, प्लेस मिक्स रिफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज डिसीजन आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। प्लेस मिक्स इंक्लूड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आगे क्या है इसको देखते हैं। आगे है, नेक्स्ट है हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको समझते हैं। जैसे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द पीपुल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन द गुड्स। मतलब ऐसा पर्सन या ऐसे मिडिल मैन जो इस तरीके के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मीडिएटर का काम करता है। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर कंट्री, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो जो अब जो गुड्स होता है वो एक जगह पे बनता है लेकिन कस्टमर तो ओवरऑल कंट्री में है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के लिए कि प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से उसको प्लेस फॉर कंजम्पशन प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टी इज प्रोड्यूसिंग इन दार्जिलिंग असम बट इट इज कंज्यूम्ड ऑल ओवर द कंट्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चाय है वो दार्जिलिंग या असम में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूट टी ऑल ओवर द कंट्री, सो ही हैज टेक्स द प्लेस ऑफ सम मिडिल मैन सो दैट इट कैन बी सप्लाई टू ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो उसके लिए डिफिकल्टी को कम करने के लिए वो क्या करता है, मिडिल मैन की हेल्प ले लेता है और उसके थ्रू ये अपना जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करा देता है। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु हेल्प इन ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं फर्म के या कोई एक इंडिविजुअल हो गया जो हेल्प करता है ट्रांसफर करने में या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, फ्रॉम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन द कॉमन टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर होलसेलर एंड रिटेलर। तो अब इस तरीके से जो कॉमन टाइप के जो चैनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होलसेलर हो गया हमारा, एक रिटेलर हो गया। तो सिंपल है, ये आपके सामने है, प्रोड्यूसर से होलसेलर पे आया, होलसेलर से रिटेलर पे आया, रिटेलर से कंज्यूमर पे आ गया। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स शॉपिंग इजी फॉर कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल ऑफ मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर कैन गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय विजिटिंग वन रिटेल शोरूम वेर आज इफ देयर इज नो रिटेलर देन इट टू बाय वेरियस प्रोडक्ट्स ही विल हैव टू विजिट वेरियस मैन्युफैक्चरर्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ एफर्ट्स अलॉन्ग विद बींग
इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स मिडिलमैन ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग एटसेट्रा. फॉलोइंग डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर विद एंड विदाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर नीड शुगर टी राइस पल्सेज एक्सेट्रा. अब जैसे यहाँ पे केस वन है हमारा वेन नो मिडिलमैन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अगर कोई मिडिलमैन नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तब क्या होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे ये केस है हमारा पहला. तो कंज्यूमर जो होता है उसमें कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, फिर आ गया मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस, मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस एक्सेट्रा. लोगों ने देख लिया. सेकंड केस यहाँ पे है व्हेन मिडिलमैन इज अवेलेबल. जब मिडिलमैन अवेलेबल होता है तो क्या होता है, कंज्यूमर किसके पास जाता है, हमारा रिटेलर के पास जाता है. ठीक है, अब आया नेक्स्ट चैनल लेवल्स. अब चैनल लेवल्स क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, जैसे जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल. अब इसमें क्या होता है, इट इज अ केस व्हेन फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी. फॉर एग्जाम्पल बाटा सेल देयर शूज डायरेक्टली, सेल थ्रू मेल ऑर्डर, इंटरनेट, यूरेका, फोर्ब्स सेल्स, ऑल इट्स वाटर प्यूरिफायर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी. ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ केस में ऐसा होता है कि जो फर्म होती है प्रोडक्शन वाली वो डायरेक्टली कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है. किसके थ्रू, थ्रू इंटरनेट और मेल ऑर्डर. ठीक है, जैसे कि बाटा हो गया हमारा, वो शू जो है अपने डायरेक्टली सेल करती है किसके थ्रू, मेल ऑर्डर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू. अब ऐसे ही यूरेका है, ठीक है, यूरेका फॉर्ब्स है, वो क्या करती है, जो अपने वाटर प्यूरिफायर है वो डायरेक्टली सेल करती है अपने प्यूरिफायर थ्रू इंटरनेट. ठीक है, आगे देखते हैं इसी में. अब डायरेक्ट चैनल के कुछ कॉमन टाइप है, तो कौन कौन से टाइप है इसमें, डायरेक्ट सेल बाय अडॉप्टिंग सेल्समैन, थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीशॉपिंग. ये जो है हमारे चार तरीके के कॉमन चैनल्स हो गए, किसके लिए, डायरेक्ट चैनल्स के लिए. ठीक है, कॉमन टाइप हो गए ये. अब नेक्स्ट बात होती है हमारी इनडायरेक्ट चैनल की. अब इनडायरेक्ट चैनल क्या है हमारा, वन लेवल चैनल. ठीक है, इन दिस ओनली वन इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, दैट इज द रिटेलर. ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक मीडियरी लेके आते हैं हम लोग, तो उसमें कौन होता है, जो कि एक रिटेलर होता है. फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू रिटेलर हु सेल द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल कार आर सोल्ड थ्रू डीलर्स, एक्सपेंसिव वॉचेस थ्रू वॉच शोरूम्स एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल एक ही मीडियरी होता है हमारा, जो कि होता है वो रिटेलर होता है. ठीक है, आगे इसी में देखते हैं. अब जैसे कि वन लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उससे रिटेलर, रिटेलर के पास सामान गया, रिटेलर के पास से कस्टमर के पास चला गया. अब टू लेवल चैनल क्या हो गया, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वेयर टू इंटरमीडियरीज आर अडॉप्टेड बाय फर्म टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज द होलसेलर एंड रिटेलर. ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादातर यही जो चैनल है इसको यूज करती है ज्यादातर प्रोडक्शन कंपनी. इसमें क्या होता है, दो तरीके के मीडियरीज लेके आती है कंपनी या जिनको अडॉप्ट करती है, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर. ठीक है, द मैन्युफैक्चरर सेल द गुड्स इन बल्क टू होलसेलर एंड हु सेल इन स्मॉल लॉट टू रिटेलर हु सप्लाई टू अल्टीमेट कस्टमर्स. ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वो क्या करती है, बल्क में होलसेलर को सामान बेच देती है. होलसेलर क्या करता है, छोटे छोटे अमाउंट में रिटेलर्स को सामान बेचता है, और रिटेलर्स क्या करते हैं, उस अमाउंट को कस्टमर जो कंज्यूमर्स होते हैं उन तक सप्लाई करता है. जनरली कन्वीनियंट गुड्स सच एज सोप, सॉल्ट एक्सेट्रा आर सोल्ड थ्रू दिस पाथ. इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसी पाथ से सेल होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर. ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा थ्री लेवल चैनल. थ्री लेवल चैनल में क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग. थ्री लेवल चैनल क्या हो गया हमारा, इन द पाथ वन मोर मिडिलमैन इज एडेड टू देयर आर थ्री इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मिडिलमैन और ऐड हो जाता है और थ्री इंटरमीडियरीज हो जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर. कौन कौन से होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर. व्हेन प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डीप कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री देन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अपॉइंटेड एरिया वाइज. ठीक है, अब अगर मैन्युफैक्चर यूनिट से अगर हम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इस वजह से क्या होता है कि एरिया वाइज
एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिया जाता है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देती है कंपनी, जैसे नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा, द होलसेलर बाय फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पास इट टू रिटेलर, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के पास बेचता है सामान, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जो होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो होता है रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो होता है कस्टमर को सेल कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैनल जो है वो प्रॉपर बन जाता है, ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और टाइम से अपना काम करके हमें सेंड करिए, ठीक है।